बंधुओं, अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो प्रेम को लाना होगा। बिना प्रेम के शांति नहीं होगा। पत्नी से प्रेम करना होगा, परिवार के लोगों से प्रेम करना होगा, तब शांति आएगी जीवन में। आक्रोध रहेगा, काम रहेगा, लोभ रहेगा, तो शांति नहीं आ सकती है जीवन में, कभी नहीं। तब जेल जाना होगा, थाना पर जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। और प्रेम कैसा, साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन होता सुको जो तन मन बोले साथ। कहते हैं प्रेम पाठ के चोलना पहर के नाचो, जब नाच नाच करने वाली चाहे नाच करने वाला जब पोशाक पहन के और जब डांस शुरू करता है, इस प्रकार से साहब कबीर कहते हैं, ऐसा चोली पहनो आगे से पीछे से बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से हर जगह से प्रेम का प्रसारण होता रहे दुनिया के अंदर। वैसा चोली पहन प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन होता सुको जो तन मन बोले सा। एक आदमी से किसी ने पूछा, वो आदमी महत्वपूर्ण आदमी थे, जैसे यही सत्संग हो रहा है और यही के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा कि कल के सत्संग में आपको नहीं देखे, तो कहा हम एक पंचायती में चले गए। कहा पंचायती कैसी थी, तो वो आदमी कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम गए थे। कहा तो प्रेम में क्यों गए, पंचायती तो झगड़ा में होता है, पंचायती तो बेईमानी में होता है, पंचायती तो मारपीट में होता है, पंचायती तो हत्या में होता है, पंचायती तो बलात्कार में होता है, आज जहां प्रेम हुआ उसमें क्या जरूरी था पंचायती का। आप लोग बोलिए, प्रेम में पंचायती की जरूरी है? तो उस लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो आप क्या करने गए, क्या पंचायत था वहां? इसे स्पष्ट हो रहा है कि उस लड़का लड़की में प्रेम नहीं था। क्यों? प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम। कबीर साहब कहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो प्रेम है, प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में। प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। प्रेम बिल्कुल निर्विकार होता है। प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति नारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह मति मंद गमारी। राम से कहती है सेवरी, प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं, एक तो मैं जात की मुसहरनी हूं, देखने में काली कलूटी कुरूप हूं, और तीसरे विद्या के हीन हूं, मैं कैसे सेवा करूं आपका। तो राम क्या कहे, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मान हूं एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई,
धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। का शिवरी हमको तुमको कोई साली सरोज का रिश्ता नहीं, भक्ति का रिश्ता है। कोई धन का बड़ा हो, बल का बड़ा हो, विद्या का बड़ा हो, बुद्धि का बड़ा हो, रूप का बड़ा हो, अगर वो भक्ति से हीन है वो व्यक्ति मेरे नजर में कैसे है। तो 56 प्रकार का व्यंजन जैसे नमक के बिना बिल्कुल फीका है, वैसे व्यक्ति मेरे नजर में बिल्कुल फीका है। प्रेम था सेवरी और राम के बीच में, कभी दोनों के बीच गाली गलौज मारपीट मामला फौदारी पर पंचायत और एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया दोनों के बीच। क्योंकि वहां जहां प्रेम है वहां वासना है ये नहीं। मीरा और कृष्ण में प्रेम हुआ, मीरा और कृष्ण में प्रेम हुआ, कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं, कहीं गाली गलौज नहीं, कहीं बाल बच्चा नहीं। प्रेम राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच हुआ, कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं, कहीं गाली गलौज नहीं, कहीं एक बाल बच्चा नहीं, वहां प्रेम था। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, मीरा और कृष्ण में आत्मा का मिलन हो गया, दोनों आत्मा मिल गया जाके। पति पत्नी में आत्मा का मिलन है, वो लड़का लड़की में आत्मा का मिलन हुआ क्या? वो लड़का लड़की के बीच, पति पत्नी के बीच क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं, प्यार। पति पत्नी के बीच प्यार है, उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ, प्यार कभी लैला और मजनू के बीच हुआ, अब प्रेम सेवरी और राम के बीच में हुआ, प्रेम मीरा और कृष्ण के बीच में हुआ, अब प्रेम राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में हुआ। प्यार में पति पत्नी में देखिएगा, कभी सलाह भी है, कभी प्यार भी है, और कभी थपरो मुक्का चलता है, कभी गालियों गलौज चलता है, कभी मारो पीट होता है। कितना पति पत्नी में तो मामला फौदारी भी चलता है, वहां प्रेम नहीं है। इस प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं, जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक आत्मा में शांति नहीं, नहीं। आत्मा से आत्मा के मिलन का नाम प्रेम है, और शरीर से शरीर के मिलन का नाम प्यार है। उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ, अब प्यार को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं। लड़की फंस गई लड़का के मोह में, लड़का फंस गया लड़की के मोह में, वहां पंचैती होगी। जहां प्यार है, जहां मोहब्बत है, वहां पंचैती होगी, जहां प्रेम है वहां पंचैती की कोई आवश्यकता। सेवरी राम में कभी पंचैती हुआ? वहां प्रेम। पति पत्नी में तो देह का मिलन, आत्मा का मिलन तो है नहीं। कभी दोनों हंस बोल के बतिया लेगा, और रात में कहीं पत्नी सब्जी में नीमक बेसी दिया है और दाल में नीमके नहीं है, तब पति मार के दोनों गाल फुला दी, कहां गया प्रेम रहा? लेकिन सेवरी और राम में गल फुलौल कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, क्योंकि वहां आत्मा का मिलन था, देह दू था, आत्मा एक हो गया था। मीरा कृष्ण में देह दू था, आत्मा एक हो गया। राम कृष्ण परमहंस शारदा देवी में देह दू था, आत्मा एक हो गया, एक विचार। लेकिन यह पति पत्नी में तो दो है, पत्नी का विचार कुछ और है, पति का विचार कुछ और है। यह प्यार है, मोहब्बत है, शिवजी राम के बीच प्रेम था।
साहब कबीर कहते हैं अगर शांति पाना चाहते हो तो प्रेम को अपनाओ। है प्रेम? अरे बाप रे बाप, पुरुष लोग जब मंदिर में जाएगा इतना करुणा स्वर से, हे भगवान, हे दुर्गा जी, हे माता जी, हम पर जरा दया रखो, आंख से आंसू गिर रहा है, पत्थल के आगे औरत मर्द के आंख से आंसू की धारा बह रही है, रो करके विनती कर रहा है। अब वही जब घर जाएगा तो माँ को 50 को गाली देगा। दुर्गा माँ के सामने आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अर्जुन विनती कर रहा है, और जो माँ पैदा किया उसके निकट जाएगा तो 50 को गाली माँ को देगा। यही तो आपकी विनती और प्रार्थना मैं देख रहा हूं। ये औरत सब दुर्गा जी के सामने इतना रोती है, और जिस सास ने बेटा पैदा किया, जिसके बेटा पर इनके मांग में सिंदूर है, इनके हाथ में चूड़ी है, उन्हीं का बेटा का दिया हुआ इनके गोद में बालक है, बालिका है, उस सास इनके लिए आने से पहले अपने पति से कहकर लेटरिन रूम बनवाई, बाथरूम बनवाई, किचन रूम बनवाई कि बहू आएगी तो सुख शांति से रहेगी, उस सास को पाभर दूध देना नहीं चाहती, भरपेट भोजन देना नहीं चाहती है, और दुर्गा जी के तैयारी में लगा। दुर्गा जी से भेंट करने के लिए 16 सिंगार और 32 अभरण करके तैयार है गाड़ी के इंतजार में कि कब गाड़ी आवे कि जाके माता दुर्गा से हम भेंट करें और उसका पूजा करें और चढ़ावना चढ़ावे। अब जो सब कुछ किया माँ, जो बेटा पैदा किया था माँ, वो बेचारी परल परल ताप करे। यही सब भजन भक्ति और यही सब पूजा चल रहा है।